हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। केल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा के उपयोग। ठीक है, यानी पहले चैप्टर का नाम है विद्युत ऊर्जा के उपयोग, जो कंप्यूटर साइंस के यानी CS के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। तो स्टूडेंट, आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, और जितना भी यहाँ पे डिस्कस किया जाए, जितने टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है कि विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और इनकी मतलब इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ पे होता है, इनकी हानियाँ क्या हैं, ठीक है, इनके लाभ क्या हैं। तो इतना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है विद्युत ऊर्जा के उपयोग, ठीक है। इसमें दिया है विद्युत की उत्पत्ति, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। व्यवहारिक रूप में विद्युत शक्ति का उत्पादन विद्युत जनित्रों द्वारा किया जाता है, जनित्रों यानी जनरेटर के द्वारा किया जाता है। अब जो जनरेटर होता है, उसे हम किसी न किसी माध्यम से क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पावर प्लांट की इंजीनियरिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यानी जिसे बिजली घर बोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। बांध बनाकर हम लोग पानी को क्या करते हैं, रोकते हैं, पानी को रोकते हैं, और इसी पानी को हम काफ़ी वेग से क्या करते हैं, टरबाइन पे फेंकते हैं, यानी टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे ये जनरेटर क्या करता है, मूव करता है, और जिससे बिजली उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिएगा, बिजली का उत्पादन जहाँ किया जाता है उसे बिजली घर कहते हैं। बिजली घरों में विद्युत यांत्रिक जनित्रों के द्वारा बिजली पैदा की जाती है, मतलब समझ रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम कैसे बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे आप देखे होंगे आपके गाँव में जो जनरेटर होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। और जो हमारा मोटर होता है, वो करंट लेता है, करंट लेकर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत लेकर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस बिजली को पैदा करने के लिए क्या किया जाता है कि हम इन जनरेटरों को क्या करेंगे, किसी न किसी माध्यम से घुमाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, या आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। जैसे क्या होता है कि जो पवन ऊर्जा होती है, तो इस पे बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ, साफ्ट के सहारे क्या लगा रहता है, जनित्र लगा रहता है, जनरेटर, और इस पे इसके पोल को एक जगह ऐसे क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और जब इस पे हवा चलती है, हवा का झोंका जब चलता है ना, तो ये ब्लेड क्या कर देंगे, करेंगे मूव, यानी यांत्रिक रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या करेगा, जनरेटर मूव करने लगेगा और बिजली बनेगी। हालांकि ये हर जगह नहीं किया जाता, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है, वो बनती है थर्मल पावर प्लांट से, यानी थर्मल के जरिए, ठीक है ना। उसके बाद नाभिकीय पावर प्लांट भी होता है, उसके जरिए भी बनाया जाता है, ठीक है ना। पावर स्टेशन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्मल के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब आप इसका मतलब यह है ना कि हम जनरेटर को किस माध्यम से घुमाएं, जिससे हमारा बिजली पैदा हो, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला है विद्युत ऊर्जा के उपयोग। अब हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसके पहले जैसे अभी मैंने बताया कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, इसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, विद्युत ऊर्जा को न तो देखा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को न तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, केवल इसके प्रभाव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जैसे हम जिस कंडक्टर में विद्युत धारा बह रही है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें विद्युत धारा बह रही है, इसको अगर हम स्पर्श करेंगे, तब हमें उनका एहसास होगा कि इसमें करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, उसे हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, और ना ही उसे हम छू सकते हैं। छूने का मतलब यह है, मतलब पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा के उपयोग, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है।
पहला है यहाँ पे मनोरंजन हेतु, ठीक है, पहला है मनोरंजन हेतु। मनोरंजन हेतु कहाँ पे करते, देखिए मनोरंजन के बारे में इसमें थोड़ा सा हेडिंग बना के लिख लीजिएगा। जैसे आजकल मनोरंजन के आधुनिक स्रोत हैं, जैसे MP3 हो गया, टेलीविज़न हो गया, DVD हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, सब बिजली से चलते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें। हेल्थ केयर के क्षेत्र में इसको भी लिख लीजिएगा कि हमें प्रतिदिन चिकित्सा के क्षेत्र में जो आधुनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके संचालन के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है या विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें रेल, पानी के जहाज़ या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पर बिजली की आवश्यकता होती है। संचार साधनों हेतु, ठीक है ना, संचार साधनों हेतु क्या है, जैसे हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, ट्रांसमीटर, रिसीवर हो गया, ये बिना बिजली के नहीं चल सकते, यानी बिना बिजली के संचालित नहीं हो सकते, ठीक है। सड़क पर प्रकाश हेतु, जैसे आप जैसे हम लोग देखेंगे हमारे जो स्ट्रीट गलियाँ होती हैं वहाँ पर बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उससे रोशनी मिल सके, ठीक है ना, और उसको चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की। अगला है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें हो गई या उनकी संरचना बनाना या उनके बारे में क्या करना, अध्ययन करना या घरों का निर्माण करना, वेल्डिंग मशीनें, जो भी चीज़ें हैं सब क्या करते हैं, बिजली पे ही डिपेंड है, ठीक है ना, बिना बिजली के हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है व्यावसायिक कार्यालयों में, व्यावसायिक मतलब जो हम आजकल जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, बिजली से ही चलाते हैं, ठीक है। अगला है दैनिक उपभोगों हेतु, अब देखिए दैनिक उपभोगों हेतु ये देखिए हम लोग अपने घरों में, इसका मतलब हो गया कि हम अपने घरों में जैसे प्रकाश बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी, फ्रिज, टेलीविज़न, सब चीज़ें ये सब होती हैं हमारे बिजली से ही प्रचालित होती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे घर में हैं, अगर बिजली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रकार से हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि इनका उपयोग करना संभव नहीं है बिना बिजली के, ठीक है। और कारखानों में भी इनका इस्तेमाल होता है, कारखानों में अगर बिजली ना रहे तो हमारे कारखाने में चल रहे कार पर क्या हो जाएगा, रुकावट आएगी, या हम बोल सकते हैं कि हमारा कार प्रचालित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, चल नहीं पाएगा यानी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है विद्युत ऊर्जा के लाभ, विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा का संचरण एवं वितरण करना आसान है, यानी हम विद्युत ऊर्जा को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इस समय AC अल्टरनेटिव करंट और एक होता है DC डायरेक्ट करंट। AC को तो हम क्या कर सकते हैं, संचरित वितरित कर सकते हैं, लेकिन DC को नहीं कर सकते। हालांकि DC को हम देखिए AC का अपेक्षा DC बहुत मतलब इसकी अपेक्षा ये क्या करेगा, इसमें जो है हानियाँ कम होंगी, बट इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। और ले जाना है तो हम जितना DC देंगे ना, जितना हम देंगे वोल्ट उतना ही हमें लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिसे AC होता है कि ट्रांसफार्मर लगा के हम क्या करते हैं उसको स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकते हैं, लेकिन DC को नहीं कर सकते क्योंकि DC पे ट्रांसफार्मर DC से नहीं चलता, ठीक है ना। अगर उसमें DC सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो अगर हम मान लीजिए 5 वोल्ट का DC देंगे ना, तो 5 वोल्ट का ही DC हमें मिलेगा, बीच में जो लॉस होगा तो टोटल हमें मिल नहीं पाएगा। बट AC होगा, अगर हम 11 KVA का अगर मान लीजिए 11 KVA है, तो 11 KVA को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, यानी बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा के उपयोग से हम अपने दैनिक कार्यों की गुणवत्ता में प्रदर्शन उत्कृष्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हम दैनिक कार्य कर रहे हैं, डेली जो हमारा कार्य चल रहा है, काम हो रहा है, कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई न कोई उपयंत्र बनाया जा रहा है, और ये सब किससे किसके जरिए हो रहा है, बिजली यानी विद्युत ऊर्जा के जरिए, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का सुलभ स्रोत, ऊर्जा का सबसे सुलभ स्रोत है, सुलभ मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के
प्रकारों में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के जरिए क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। और इसे हम प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में, जैसे हीटर हो गया, हीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊष्मा के रूप में बदल सकते हैं। और हमारा बल्ब हो गया, बल्ब में अगर हम बिजली देंगे तो हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में दे देगा, ठीक है ना। मोबाइल में यानी जो हमारा माइक्रोफोन होता है, अगर उसमें हम बिजली देंगे तो वो बिजली यानी उससे क्या करेगा, मान लीजिए हम ध्वनि देंगे, ठीक है ना, यानी ध्वनि देंगे यानी उसमें बोलेंगे, तो उस ध्वनि को वो क्या करेगा, बिजली के सारे क्या करेगा, एक रूप में दूसरे रूप में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगला है हमारा, विद्युत ऊर्जा के कारण मानव का जीवन प्रतिदिन प्रगतिशील है। इसका तात्पर्य है ना कि अगर बिजली ना होती तो हम जो आज के समय में जितने हमारे क्षेत्र हैं मैंने अभी ऊपर बताया, इन क्षेत्रों में हम प्रगति नहीं कर पाते, ठीक है ना। और इन्हीं का देन है, यानी विद्युत ऊर्जा का ही देन है जो हम दिन प्रतिदिन इन क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, ठीक। अगला है हमारा छठा, विद्युत ऊर्जा साफ शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं देता। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये सब उत्पन्न होते हैं जिससे हमारा हमारे वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, यानी ऊष्मा जो है, ताप जो है बढ़ने लगता है। तो पर्यावरण, जब हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी हमारा पर्यावरण क्या होगा, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक गैसें हैं, तो इसलिए इन गैसों को कम से कम, यानी हम ऐसा क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र इस्तेमाल करें या ऐसे क्षेत्र में इस्तेमाल करें जहाँ पे ये गैसें उत्सर्जित ना हों, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा में ये सब गैसें उत्सर्जित नहीं होती हैं जिसके कारण पृथ्वी की ओजोन परत संरक्षित रहती है। अब ओजोन परत क्या है, आप लोग को पता ही होगा, ओजोन परत जो होता है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, ठीक है ना, और हमारा वायु वातावरण क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला है विद्युत ऊर्जा से हानियाँ। अच्छा, अगर इसमें लाभ हैं तो हानियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जब हम कोयले यानी कोयले या प्राकृतिक गैस या तेल को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्या विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे प्रदूषित गैसें या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी। जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है तब ऊर्जा रूपांतरण में पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसें का उत्सर्जन होता है। अब ये गैसें क्या करती हैं, हमारे पर्यावरण को क्या कर देंगी, दूषित कर देंगी। हालाँकि ये हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि हम विद्युत ऊर्जा से, मतलब अगर हम विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कोई गैसें उसे नहीं निकलती जिससे हमें कोई हानियां नहीं होती। बट अगर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या होगी, वहाँ पे हानियाँ होंगी, ठीक है ना। क्यों, वहाँ पे गैस जो हमारे ईंधन होंगे, अगर ईंधन जलेंगे तो जारी सी बात है कार्बन जलेगा तो उसमें गैसें निकलेंगी, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बहुत बड़े बड़े स्थान की आवश्यकता होती है जिससे सैकड़ों प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे पावर प्लांट यानी जहाँ बिजली घर बनाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे वन क्षेत्र है यानी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो उन्हें काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उतने जहाँ पे वो बिजली घर बनेगा वहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा, यानी वो हमारे कृषि योग्य नहीं रह पाएगा, तो इससे हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। अगला है हमारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में काफ़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुँचने वाले पदार्थ पैदा होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग जब विद्युत ऊर्जा उत्पादित करते हैं ना, तो उत्पादित करते समय हमारे कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कोयला का राख हो गया, और जो हमारा यूरेनियम हो गया, ये सब जो नाभिकीय ऊर्जा हो गया। तो हालांकि नाभिकीय ऊर्जा में बहुत कम ही प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा हमारा होता है जो है जैसे कोयला वाला हो गया, हम कोयले को जलाते हैं तो तब हम बिजली बनाते हैं तो इनसे गैसें निकलती हैं, और इनका जो है जो राख होता है वो भी हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है।
अगला है विद्युत ऊर्जा का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं इससे क्या हानि हो सकती है। अगर विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम सही से नहीं करेंगे तो हमें झटके लग सकते हैं, ठीक है, जिससे इंसान या कोई पशु पक्षी है उनकी मृत्यु हो सकती है। अगला है विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए मशीनों की स्थापना में अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी जब हम बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, यानी हमारा जो है कहने का मतलब है कि हम उसे तुरंत स्थापित नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी टाइम यानी काफ़ी समय लगता है, ठीक है। अगला है अब यहाँ पे आपका ये जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जिस टॉपिक पे, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो जितना मैंने आपको बताया आप उसको नोट करिए, नोट करके ऐसे क्वेश्चन को, यानी अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारा जो मैंने आप अभी टॉपिक डिस्कस किया है वो सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न उपयोग का वर्णन कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछेगा विद्युत ऊर्जा से हमें क्या लाभ हैं एवं हानियाँ क्या हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो विद्युत ऊर्जा यानी इस टाइप का पूछेगा या तो इस टाइप का पूछेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और आप लोग ध्यान से अपने घर पे पढ़िए और नोट्स बनाते रहिएगा, और जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, या ये टॉपिक आप एक बार फिर डिस्कस करिए बताइए, तो हम आपको पुनः उस टॉपिक का जो है जिक्र अगले वीडियो में कर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।